As you all know, that we are continuing our chapter prepositions. Preposition of time we have already covered in the previous lecture. Today we are going to do preposition of places. Preposition of places indicate where something is or where something happens. प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस इंडिकेट करती हैं कि कहाँ पर क्या है और कहाँ पर क्या हुआ है सम प्रपोजिशन ऑफ प्लेसिस आर एकरोस इन इनसाइड ओन आउटसाइड अंडर बिलो इन फ्रंट ऑफ बिफोर एंड सो ओन सो फर्स्टली लेट एस डिस्कस अबाउट इन वेर वी आर गोइंग टू यूज इन इन इंडिकेट समथिंग टू बी प्रेजेंट इन अ प्लेस और इनक्लोज़र इन इंडिकेट करता है कि समथिंग प्रजेंट है किसी प्लेस पर और किसी इनक्लोज़र में इनक्लोज़र क्या होता है एन एरिया दैट इज़ सराउंडड बाय अ बैरियर कोई ऐसा एरिया जो बैरियर के द्वारा सराउंडड हो लाइक योर रूम रूम इज़ सराउंडड बाय द फोर वॉल्स सो दैट इज़ ऑल्सो एन इनक्लोजर इट डज नोट से पर्टिकुलरली वेयर बट गिव एन इनक्लोजर टू द नाउन इट कनेक्ट्स विद ये ये नहीं बताता पर्टिकुलरली कि कहाँ पर क्या है बट ये नाउन को एक इन्क्लोज़र देता है जहाँ से वो कनेक्ट होता है फॉर एग्जाम्पल योर शर्ट इज़ इन द क्लोज आपकी शर्ट क्लोज में है अब बेटा देखिए जो हमारी क्लोज अलमीरा होती है उसमें बहुत सारे पार्टीशन बने होते हैं कैबिनेट्स बने होते हैं बट उसने ये नहीं बताया कि किस कैबिनेट में किस पार्टीशन में आपकी शर्ट रखी हुई है जस्ट इंडिकेटेड दैट योर शर्ट इज इन द क्लोज इट ही लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया सेम हियर वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है लाइक इन आर कंट्री सो मैनी स्टेट्स आर हियर सो सेम इन द ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो बट ही हैडेंट मैंशनड हियर इन विच स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ही इज लिविंग ही जस्ट मैंशनड हियर ही लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया दैन अलेक्स वर्कस इन दैट बिल्डिंग एलेक्स उस बिल्डिंग में काम करता है अब पॉसिबल है बेटा जी कि जो वो बिल्डिंग है उसके एक फ्लोर पर आपके ऑफिसज बने हुए हैं मे बी जो से नीचे वाला या ऊपर वाला फ्लोर है वो रेजिडेंशियल हो कुछ भी हो सकता है तो यह हो सकता है कि कोई सुपर मॉल की तरह जैसे शॉप्स वगैरह बनी हुई हो नीचे वाले फ्लोर पे नी थिंग कैन हैपन बट उसने स्पेसिफिकली मतलब उसने थोड़ा यहाँ पर हिंट दिया है आपको कि वो उस बिल्डिंग में काम कर रहा है लेकिन ये नहीं बताया उस बिल्डिंग के किस फ्लोर पर है किस ऑफिस में वो काम करता है उसने ऐसा कुछ आपको मैंशन नहीं किया तो मतलब वो वहाँ पर उसने सिर्फ एक एरिया इनक्लोज़र आपको बताया है वेयर ही इज़ वर्किंग सो इन दीज केसिस वी आर गोइंग टू यूज़ इन ऐट का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे ऐट इंडिकेट्स एन एक्जैक्ट प्लेस जो एट होता है वो एक एग्जैक्ट प्लेस को शो करता है जैसे हमने टाइम वाले में किया था वहाँ पर भी यही था कि जब एग्जैक्ट टाइम हमें बताया जाएगा तब हम ऐड का यूज़ करेंगे सेम हीयर कि जब एग्जैक्ट प्लेस पता होगा हमें तब हम ऐड का यूज़ करेंगे ही इज़ एट द डोर आई एम स्टैंडिंग एट थर्टीन बाई फोर जॉर्ज स्ट्रीट ही इज़ एट होम in these example exact place is mentioned so what we will use there at then comes on on ka use hum kahan pe karenge on indicates a position above but touching the object on indicate karta hai ek aisi position ko जो ऊपर होती है but touching the object. लेकिन जो object होता है उसे touch कर रहा होता है एग्जाम्पल के तौर पे देखिए द फ़ोन इज़ ऑन द टेबल जो फ़ोन है वो टेबल पर रखा हुआ है जस्ट इमेज़िन कि आपके सामने एक टेबल पड़ी है उसके ऊपर फ़ोन रखा हुआ है तो जो, जो टेबल का सरफेस है फोन उससे टच कर रहा है तो जब इस तरह से किसी सरफेस को कोई थिंग टच करेगी वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे ऑन लाइक यू गोज़ टू द स्कूल यू सिट ऑन द बेंच सो वट वी यूज देअ सिट ऑन द बेंच तो आप बेंच के सरफेस को यूज़ कर रहे हो बैठने के लिए वट वी विल यूज देयर ओन सिट ऑन द सोफा सो दीज आर द यूज ऑफ ओन वेयर वी आर गोइंग टू यूज ओन वैन एनी सरफेस वैन वी यूज एनी सरफेस एंड द थिंग इज टचिंग दैट दैन वी आर गोइंग टू यूज ऑन दैन कम्स अबव अबव नॉर्मली ऊपर की सेंस बनती है जब हम हिंदी हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके देखें But where we are going to use above? Above indicate a much higher position than the preposition on does. ye यहाँ pe aapko kya kehta hai ki jo above hai wo as higher position ko dikhata hai as compared to on. On के comparison में जो above की position होगी जहाँ पे हम above को use करेंगे वो higher position को show करेगा. It also indicates something out of reach. ये मतलब ये भी दिखाता है कि जो वो चीज़ हमारी पहुंच के बाहर है आउट ऑफ रीच है लाइक द स्काई इज़ अबो माई हैड जो स्काई है वो मेरे इज अबोव माई हैड देखो बेटा जो स्काई है क्या आप उसको टच कर सकते हो क्या आप उसको टच कर सकते हो नॉट पॉसिबल तो ये चीज़ें आउट ऑफ रीच है वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे अबव स्टार्स आर अबव द स्काई होल्ड योर हैंड्स अबव योर हैज न कम्स ओवर ओवर मीन्स अ पोजिशन बिटवीन ओन एंड अबव विच इज़ नोट टचिंग ओवर क्या ओवर कहाँ पर यूज़ करेंगे बिटवीन ओन एंड अबव जहाँ पर ओन और अबव के बीच की कंडीशन बन रही होगी सिचुएशन बन रही होगी तब वहाँ पर हम ओवर का यूज़ करेंगे ओन कब यूज़ करते हैं वैन समथिंग इज़ टचिंग विद द सरफेस एंड अबव आउट ऑफ रीच लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बीच में भी हो सकती हैं जैसे There आर clouds क्लाउड्स ओवर द हिल्स आप लोग साइंस में स्टडी करते हो बेटा जो क्लाउड्स होते हैं वो स्काई से नीचे होते हैं आकाश से नीचे होते हैं हमारे तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे ओवर अ बर्ड फ्लू ओवर my head. एक जो बर्ड है मेरे के सिर के ऊपर से उड़कर गया अब वो ओवर द हेड माय फ्लैट इज ओवर दैट शोप आई होप दिस इज

द कैट इज़ अंडर द टेबल जो कैट है कहाँ पर है अंडर द टेबल द कार्पेट अंडर माई फीट इज़ वेरी सॉफ्ट जो कारपेट है वो मेरे फीट के नीचे वो बहुत ही सॉफ्ट है दैट बुक इज अंडर माई ग्लासेस जो बुक है मेरे ग्लासेस के नीचे है बिलो का मीनिंग क्या होता है बिलो इंडिकेट समथिंग एट अ स्लाइटली लोअर पोजिशन दैन वट अंडर इंडिकेट्स बिलो इंडिकेट्स समथिंग at अ स्लाइटली लोअर पोजिशन थोड़ा सा नीचे जो अंडर दिखाता है ना उससे उस थोड़ा सा नीचे बट किसी सरफेस के जैसे वहाँ पे तो बिल्कुल नीचे होती है ना वो उसके है नीचे लेकिन थोड़ा स्लाइटली लोअर पोजिशन आई हैव अ स्कार जस्ट बिलो माई राइट आई अब देखिए बेटा अब यहाँ पे हम ये तो नहीं लिखेंगे कि आई हैव आ स्कार जस्ट अंडर माई राइट आई राइट आई के नीचे नीचे दब के नहीं आया वो वो फेस पे विजिबल हो रहा है वहाँ पे मतलब साइड पे जैसे आपका अपना फ़ेस इमेजिन कीजिए आई चिक और नोज एवरी थिंग इज़ विजिबल ओवर देयर एंड दे आर साइड बाई साइड मतलब फेस पे हमें सामने वाले को विजिबल होते हैं लेकिन वो स्लाइटली उसके थोड़ा सा नीचे है लेकिन जो हमारी आई है उसने उसको कवर तो नहीं किया जैसे जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था उसमें जो टेबल थी टेबल ने कैट को कवर कर लिया था टेबल के नीचे बैठी हुई थी वो बट जो आई है आई के नीचे हमारा स्कार है आई ने उसको कवर तो नहीं किया ना तो इस तरह से ये आपको थोड़ा सा स्लाइड डिफ्रेंस इसके बीच में अंडर और बिलो के बीच में समझना पड़ेगा डू यू सी द लाइन बिलो द पेपर प्लीज़ डोंट राइट बिलो दिस लाइन देन कम्स बाय बाय मीन्स नियर टू और नेक्स्ट टू समथिंग और समवन बाय का क्या मतलब है नियर टू और नेक्स्ट टू समथिंग और समवन

देन कम्स बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड बिहाइंड मीन्स एट द फार साइड ऑफ समथिंग माइट बी आउट ऑफ साइट इट इज अपोजिट ऑफ इन फ्रंट ऑफ मीनिंग इसका इन फ्रंट ऑफ के अपोजिट होता है बिहाइंड नॉर्मली हम लेते हैं पीछे की सेंस जब बनती है हम बिहाइंड का यूज करते हैं ही पार्कड हिज़ कार बिहाइंड माई कार आई हैव अ पुल बिहाइंड माई हाउस गो बिहाइंड That tree then comes in front of. In front of, as I have told you, that it shows the meaning of Samani facing someone or something. For example, he parked his car in front of my house. I, I have a pool in front of my restroom.

जब कोई पर्सन अगर पर्सन है तो दो लोगों के वो बीच में बैठा हुआ है अगर कोई चीज़ है तो वो दो चीज़ों के बीच में रखी हुई है तब हम बिटवीन का यूज़ करते हैं अगर दो से ज़्यादा होंगे वो तब हम क्या यूज़ करेंगे अमंग देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल अरुण इज सिटिंग बिटवीन रोबिन एंड राहुल अरुण कहाँ पे बैठा है रोबिन और राहुल के बीच में द कैट इज बिटवीन द टू बॉक्सेस जो कैट है दो बॉक्सेस के बीच में है द मैटर इज़ बिटवीन यू एंड हेम जो मैटर है वो आपके और उसके बीच में है अमंग इंडिकेट्स समथिंग सम वन टू बी इन द मिडल ऑफ थ्री और मोर देन अदर थिंगस और पर्सनस जब हम अमंग का यूज करते हैं जब दो से ज़्यादा चीज़ों की बात की जाएगी या तो पर्सनस हैं कि दो से ज़्यादा वहाँ पर हैं या थिंग्स वहाँ पर बहुत सारी हैं तब हम अमंग का यूज़ करेंगे सीधा एग्जाम्पल अरविन सिटी among the patients he is the best among them among all the people sulekha had the courage to speak up i hope this is clear to you thank you have a nice day